पंजाब में 4 महीने पहले जिस शख्स का नाम सीएम रेस में सबसे आगे था, 42 विधायकों का समर्थन था, कांग्रेस के चंद नेताओं के कहने पर उन्हें सीएम के रेस से बाहर कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं सुनील झाकड़ जी का, खुद हमारे साथ है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आपने कहा कि 42 विधायकों का समर्थन जो था वह आपके पास था, मुख्यमंत्री चेहरे के रेस में सबसे आगे आप चल रहे थे, अचानक क्या हुआ जो आप एकदम सीएम के रेस से बाहर हो गए? देखिए, मैं सीएम रेस में कभी भी नहीं था साहब। कोई एक व्यक्ति कह दे कि कोई एक कांग्रेस हाईकमांड में जो 3 ऑब्जर्वर आए थे वो बता दें को हाईकमांड में, मैं तो एमएलए भी नहीं था। सो स्वाभाविक है कि मैं किसी रेस में भी नहीं था। ये तो इस पार्टी का दिया हुआ रुतबा, इतना उन्होंने जिम्मेवारियाँ दी जिसकी बदौलत आज 42 एमएलएओं ने मेरे में विश्वास व्यक्त करने का इतना बड़ा फैसला लिया। मैं समझता हूँ मेरा राजनीतिक जीवन या मेरी राजनीतिक तपस्या 20 साल की सफल होगी सब। इससे ये किसी भी ओहदे से बड़ा एक, जिसे कह देते हैं कि नाम समझ लीजिए, वैलिडेशन ऑफ माय पॉलिटिकल करियर, वो इसके जरिए उन्होंने किया है। मेरे लिए यही बहुत था भी मेरा नाम चला, नाम किया गया। परंतु मलाल मुझे इस बात का नहीं, किस बात का मलाल हो साहब मुझे? मैं तो इलेक्शन भी नहीं जीता था, पीसीसी प्रेसिडेंट भी नहीं था, और मैं किस पार्टी से मलाल करूँ जिस पार्टी ने मुझे इस ओहदे तक पहुँचाया, इस रुतबे तक पहुँचाया। मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, उससे पहले मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन का जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई। तो इसमें कोई मलाल इस बात का है कि पंजाब जैसे एक सेकुलर सूबे के अंदर, सबसे सेकुलर सूबा हिंदुस्तान में, मैं गर्व से कह सकता हूं कि पंजाब है सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान में, अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और सबसे सेकुलर अगर कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो राहुल गांधी है। मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मुझे बड़े बड़े नेताओं से इंटरेक्शन करने का, जिस परिवार में पैदा हूँ उसकी बदौलत मुझे मौका मिला। तो उस पार्टी में, जिसकी सेकुलर पार्टी में चंद लोग, इस किस्म के छोटी सोच के लोग बड़े ओहदों पे पहुँच गए, उनकी ये बात थी। और उन्होंने मुद्दा एक ऐसा बना लिया कि अमन शांति पंजाब के ऊपर उन्होंने बात की कि सुनील को अगर बनाया तो पंजाब में आग लग जाएगी। कुछ लोगों ने दिल्ली में बयान छोड़ दिए कि पंजाब का मुख्यमंत्री एक सिख ही होगा, एक नॉन सिख या हिंदू बन नहीं सकता। उसके ऊपर घी डालने वाले यहाँ मिल गए, उन्होंने घी डाल के एक बाउंडर खड़ा किया। और राहुल जी ने पंजाब के इस भाईचारक सांझ को, पंजाब की अमन शांति को ध्यान में रख के, और उन्होंने अपना विश्वास सुनील में व्यक्त करके कि सुनील कांग्रेसी है और उसको इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो बनता है या नहीं बनता, पार्टी के अनुसार वो जो भी निर्णय लेगा। तो उन्होंने ये फैसला किया कि पंजाब हमारे लिए अहम है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का बनना। लेकिन सर, एक सवाल तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप आम व्यक्ति हैं, एक राजनेता हैं, और किसी भी राजनेता की ख्वाहिश यही होती है कि प्रदेश का एक सूबे का एक मुखिया बने। तो ऐसा नहीं है कि जब आपके पास इतने विधायकों का नंबर था, आप किसी भी सीट से चुनाव लड़के दोबारा, ऐसी कोई ये अपवाद नहीं है कि आप विधायक नहीं है तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैं ये कह दूँ नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है बिल्कुल साहब मलाल इस बात का। मुझे दुख तो जरूर हुआ क्योंकि मैं भी 8 मास का पुतला हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी खुश होता हूँ, मेरे भी किसी न किसी, मेरी भी फीलिंग्स हैं, इमोशनल पर्सन ऑल्सो, बट आई एम प्रेगमेटिक ऑल्सो साहब। मैं यथार्थ में जीता हूँ साहब, हवा में नहीं उड़ता, मैं लीडरों की तरह हवा में नहीं घूमता। मुझे मेरे पिता से जो सबसे बड़ी सीख उन्होंने कही, जो उनकी बदलती घूम रहे हैं, उन्होंने कहा भी पैर नहीं छोड़ना ज़मीन से, कहीं हवा में उड़ने लग जाओ। हमने आज तक ज़मीन से पैर नहीं छोड़े साहब। मुझे अपना भी पता है कि ये जो है ये पार्टी की बदौलत है, मेरे को सुरखाब के पंख नहीं लगे। 80 MLA हैं, कैप्टन साहब को अगर छोड़ दें तो 79 MLA थे। ईच वन ऑफ देम इज़ कम्पिटेंट एंड केपेबल, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल है साहब। अगर मेरे पे उन्होंने दिया विश्वास जताया है, तो उससे मुझे अपने आप को मर्यादा में रह के, पार्टी के डिसिप्लिन में रह के काम करना है। पर ये बातें हैं, फौरी तौर पर आता है दिमाग में भी ये क्या हो गया, बन जाते तो अच्छा था। परंतु फंडामेंटल बात है कि कांग्रेस की सोच को ठेस लगाया है। राहुल जी ने अपने राजनीतिक कैरियर में, अगर मैं कहूं कि उन्होंने, जब से मैं उन्हें जानने लगा हूं, इंटरेक्शन एज ए कांग्रेसमैन फ्रॉम पंजाब, 2012 में जब उन्होंने जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस से हटके कांग्रेस मेन पार्टी और पेरेंट पार्टी का संभाला, तब से मेरा उनसे इंटरेक्शन है, क्योंकि तभी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना था, मुझे सोनिया जी ने ये जिम्मेवारी सौंपी थी। उनके इस राजनीतिक कैरियर में, मैं, मेरा ये रुतबा नहीं है कि मैं कमेंट करूं, पर मेरे निगाह में उनके इस राजनीतिक जीवन का सबसे अहम, सबसे मैं समझता हूं इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक डिसीजन था
ये चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, बल्कि एक गरीब परिवार से, एक एससी परिवार से उठे हुए व्यक्ति को पंजाब जैसे सूबे में, जहाँ के एक धारणा बनी हुई थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जट सिख ही बन सकते हैं, वहाँ पे ये बनाना, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ ऑफ हिज कैरेक्टर साहब, व्हाट यू कॉल करेज ऑफ हिज कन्विक्शन, लोग तो बातें करते हैं साहब, कहने को कुछ कहते हैं, बनाया तो नहीं किसी ने, किसने बनाया, राहुल जी ने। और दुख इस बात का, मलाल मुझे ये है कि आज हम राहुल जी के इस अहम फैसले की बात ना करके उन छोटे घटिया लोगों की, घटिया सोच वाले लोगों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदू सिख का यहाँ पे बवाल खड़ा करके, उनकी अपनी कुंठाएं होंगी साहब, उनकी अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को बैठा दिल्ली में सोच रहा हुआ, मैं हिंदू की नहीं तो मैं शायद मुख्यमंत्री बन जाता। इस पंजाब ने कभी किसको रोका है साहब? मैंने आज तक पंजाब ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं सेकंड क्लास सिटीजन, और मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ, पंजाब की इस गाड़ी के अंदर सेकंड क्लास डब्बा ही नहीं है साहब, यहाँ पे सारे फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं। ये लोग बैठे अपने डर से, क्योंकि अपनी कमजोरियों पे डांकने के लिए एक बहाना बना लिया, अगर मैं सिख होता तो, अगर सिख होते तो, सिखी तो सिखी के स्वरूप में नहीं बसती साहब, सिखी एक विचारधारा है, एक भावना है। गुरु महाराज ने, प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मानस की जात सब एक को पहचान बे, ये मूल मंत्र है साहब, ये धारण कर लो आप सिखो। अच्छा, उनको दिल्ली में यहाँ चंद लोगों को लग रहा है लीडर, जो सो कॉल्ड सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर तो मैं समझता हूँ अकाल तख्त साहब के इज द टेम्पोरल सीट ऑफ सिखिज्म साहब, अकाल तख्त वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जाके माफ़ी मांगने के लिए पेश हुए थे, वहाँ से ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने अगले दिन बयान दिया कि ये क्या बात हो रही है। उन्होंने कहा पंजाब में हिंदू सिख का कोई मसला नहीं है, पंजाब को एक अच्छा इंसान मुख्यमंत्री चाहिए जिसके दिल में पंजाब धड़कता हो। मैं कहता हूँ इट वॉज ए गोल्डन मोमेंट इन पंजाब हिस्ट्री, इन पंजाब सिखिज्म। इन्होंने वो बात उस पद की गरिमा, जहाँ पे वो बैठे हैं उस टेम्पोरल सीट की गरिमा में और चार चांद लगाए उन्होंने, और यहाँ ये छोटी सोच करके राहुल जी की इतना बड़ा फैसला है, आज हम उसकी बात ना करके ये बातें। लेकिन एक सवाल उठता है, आप बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया सही लिया, जब आप PCC के अध्यक्ष बने पंजाब कांग्रेस कमेटी के, उस समय भी आप हिंदू थे, उस समय किसी ने आपके इस फैसले का या केंद्र मतलब सेंट्रल लीडरशिप के फैसले का सवाल नहीं उठाया, जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो आखिर ये लोग कहाँ से निकले, और उस समय राहुल गांधी जी ने इस बात को ओवरपास क्यों नहीं किया, क्योंकि फैसला उनको लेना था। तब किसी ने ये मुद्दा उठाया नहीं साहब, उन्होंने मुद्दा ऐसा उठा दिया, ऐसा संवेदनशील, कई प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बने बिल्कुल बने होंगे साहब, इसीलिए झगड़ा हमेशा पद का रहता है कि वो बन जाए तो मे बी इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स दैट, ये उनकी भावना होगी। मैं तो समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेवारी थी जो मुझे सौंपी, मेरे को 3.5 साल के करीब 4 साल के करीब ये काम करने का उन्होंने सौभाग्य दिया, ये जिम्मेवारी पे मेरे पे विश्वास जताया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सर एक सीधा सवाल, पंजाब में इस वक्त अगर कांग्रेस से कहीं बैकफुट पे दिख रही है तो वो अंदरूनी कलह की वजह से दिख रही है। सीधे तौर पर एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा नाम आता है नवजोत सिंह सिद्धू, क्या आप मानते हैं इस वक्त अगर कांग्रेस की स्थिति पंजाब में खराब है तो उसका सबसे मेन कारण सिद्धू है? मैं आपकी दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ, ना तो पंजाब की स्थिति खराब है पंजाब के अंदर, और ना ही किसी एक व्यक्ति विशेष, और अगर आप उनका आपसी कला की चर्चा हर पब्लिक कर रही है। हाँ जी, आपसी कला का, कांग्रेस की कला जो है सिद्धू और चन्नी के बीच में नहीं होती साहब, सब जगह थोड़ा बहुत विचारधाराओं में फर्क होता है, और इस मौके पे जब टिकटें का बंटवारा होता है, टिकटें 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 117, मांगने वाले मेरे ख्याल 1700 के करीब होंगे, सो इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं साहब, पहली दफ़ा नहीं उठ रही, हर बार होता है, और आगे ना उठे। मैंने तो उसी दिन CEC में भी ये चर्चा की थी कि हमें कोई एक प्री स्क्रीनिंग साल पहले ही परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर लेनी चाहिए, जो कठोर फैसले या कोई हार्ड डिसीजन लेने हैं इवेल्युएशन, या किसी को नोटिस पर डालना है, गिव दम अ नोटिस भी आपकी परफॉर्मेंस किंतु परंतु है, आप या तो सुधार लो, नहीं हो सकता आपको ये दोबारा से मौका ना मिले, तो उससे ये सारी बातें कंट्रोल में की जा सकती हैं। बाकी राजनीति में कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि सुनील ने बता दिया आज के बाद ऐसे होगा। लेकिन सर ताज़ा एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो बस्सी पठाना से मुख्यमंत्री के भाई खुद निर्दलीय उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी तो पार्टी के लिए एक सवाल या निशान, पब्लिक के बीच में सेंटिमेंट जाता है, और वो बार बार खुल के कह रहे हैं कि सिद्धू की वजह से उनकी टिकट कटी। वो कहने के लिए आज क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर आ गए, पर उन्हें ये देखना चाहिए कि आज हिज क्लेम टू फेम इज दैट ही इज ब्रदर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है साहब, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या बताएं तो सही, आज से पहले कि जानता कौन था, अभी कौन है,
किसी को ये नहीं पता था भी चन्नी जी के कोई भाई भी हैं, कौन है, कहाँ पे हैं। सो इन बातों का देखिए, आज ठीक है उन्होंने एक मौका दे दिया अपोजिशन को, बट आई डोंट थिंक इस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। बाकी कांग्रेस से अगर कोई जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की विचारधारा का जो भाई है, जो कोई भी है, अपने अंदर भी झांकना चाहिए, दूसरे पे सारी दोष मढ़ने से पहले अपने भी झांकना चाहिए। ये मेरे में कमी समझ लीजिए या मेरा, मैं देखता हूँ साहब, मैं मलाल करूँ तो किस बात का करूँ, आप बोल नहीं पाए। नहीं बोल नहीं साहब, मैं तो बोल रहा हूँ साहब भी, अगर मैं इतना ही सियाणा होता तो मैं इलेक्शन ना जीत जाता, मैं तो इलेक्शन हारा हुआ था सब, मैं कैसे आपको कह सकता हूँ साहब, मेरे को अंदर झांकना चाहिए, इनको भी झांकना चाहिए भी आप किस बात की टिकट मांग रहे हो। सर अगर पंजाब की बात करूँ तो पूरे पंजाब हम घूम रहे, तीन चेहरा पोस्टर पर दिख रहा था, चन्नी साहब का, सिद्धू साहब का और आपका। अब जब रायशुमारी शुरू हुई, राहुल गांधी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेंगे, रायशुमारी करके करेंगे, और सिर्फ दो लोगों का नाम लिया गया, तीसरा नाम क्यों नहीं था? मतलब आखिर जब खुल के रायशुमारी ही करनी है तो चार पांच लोगों का नाम देते, उसमें जो आगे होता उसका नाम आता। सब खुल के नाम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सुनील तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, सुनील का नाम कैसे आ जाए साहब? टिकट मिलके दोबारा लड़ तो सकती थी ना, क्योंकि अभी पंजाब में 3 करोड़ आदमी है साहब, यहाँ पे कमाला बात कर रहे हो, सारे बेहतर हैं, कोई नहीं बन सकता। अगर सुनील नहीं लड़ना चाहता तो सुनील की अपनी कमजोरी होगी, नहीं लड़ रहा तो उसमें क्या बात है, ये कोई बात नहीं है साहब। मेरे अगर फोटो आप देख रहे हैं तो इस फोटो देयर बिकॉज ऑफ राहुल गांधी, बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, उनको पता है ये कांग्रेस ही है, इसके अंदर कांग्रेस बोलती है, और कांग्रेस के वर्कर का या MLA रहे ना रहे, जो हैं जो दूसरे वर्कर हैं, सबको लगता है ये सुनील है, ये कांग्रेस ही है। आपसे भी राय ली गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी में कौन बने? अभी तक तो मेरे पास कोई फोन आया नहीं, अगर मेरे पास सर्वे के कोई आएगा तो मैं अपनी राय दे दूंगा। मेरा मानना है कि जंग के मैदान में घोड़े नहीं बदले जाते, इसके क्वेश्चन ही उठाना नहीं चाहिए था। जब मुख्यमंत्री राहुल जी ने चुना है, किसी और ने तो नहीं चुना, तो उस बात के ऊपर चन्नी जी खुद सवाल उठाए, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि चन्नी जी ने किस सोच से ये स्टेज पे कह दिया भी आप फैसला कर दो, फैसला तो हुआ है साहब, बिल्कुल आप उसको दोबारा से करने की बात कर रहे हो भाई। आई आदर डोंट बिलीव इन द हाई कमांड और यू हैव नॉट अनफ बिलीफ इन योर ओन कैपेबिलिटीज, ये नहीं उठना चाहिए था। सिद्धू जी ने भी ठीक नहीं किया, उनकी सोच अपनी होगी, आई एम नोबडी टू कमेंट, ठीक थी गलत थी मैं अपनी राय मेरा है, ये सवाल नहीं उठना चाहिए था। रोज रोज चीफ मिनिस्टर नहीं बदले जाते साहब, मौका दीजिए, 4 महीने का दिया है, और साल 2 साल देखो, काम नहीं करेंगे तो फिर सोच लेना। तो सिद्धू जी के दबाव में ये सारी चीजें हो रही हैं, दोनों इकट्ठे थे साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब, यही तो मुझे आश्चर्य है, दोनों ने मिलकर बिल्कुल गाड़ी में बैठे और दोनों ने दबाव कौन से, उन्होंने कहा जो राहुल जी कह देंगे मैं मानूंगा, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है साहब, अनाउंस करना चाहिए। आई बिलीव इन हिम, अगर उसने स्टेज पे खड़े होके कहा है तो कैसे बदल जाएंगे सर, उन्होंने कहा अभी राहुल जी फैसला करेंगे, मैं साथ हूँ। सर अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आप लोगों के इसी झगड़े पर निशाना साधा, उन्होंने कहा चन्नी जी का नाम है, सिद्धू जी का नाम है, आखिर जाखड़ साहब का नाम रायशुमारी में क्यों नहीं है? क्यों राजा सुनील जाखड़ इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, इसलिए नहीं है रायशुमारी में। मैं कह दूं उनकी भावनाओं की मैं बड़ा उनका सम्मान आदर करता हूं, धन्यवाद उनका, परंतु आप अपना घर संभालिए, सुनील की और कांग्रेस की चिंता छोड़िए, थैंक यू वेरी मच। सर क्या सबसे मेन ये कि खबरों में ये भी है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वक्त चन्नी साहब आगे चल रहे हैं, जो रायशुमारी हो रही है, जो कार्यकर्ताओं से भी ली जा रही है, लोगों से भी ली जा रही है, तो क्या वजह है कि जो 111 दिन उन्होंने काम किया इसकी वजह से लोग उनको देख रहे हैं? बिल्कुल साहब, इसकी वजह से, उसकी इस वजह से भी उनके अंदर राहुल जी ने, कांग्रेस हाईकमांड ने विश्वास जताया, दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ, उसके बाद उन्होंने काम किया है, सो मेरा वोट भी उनके साथ है। मैं समझता हूँ कि पार्टी की बेहतरी के लिए, मेरे अपने राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, परंतु कांग्रेस ने जो फैसला लिया है एक बढ़िया परिपक्व फैसला है। आप राजनीतिक दृष्टि से भी एक तरफ छोड़ दीजिए, सामाजिक ताने बाने के लिए पंजाब के अंदर जहाँ जात पात धर्म आइडेंटिटीज़ के नाम पर झगड़े करवाने के लिए आग लग रही है, हिंदुस्तान के अंदर लगवाई जा रही है, वहाँ पर एक अच्छी ठंडी हवा का झोंके के रूप में राहुल जी का ये फैसला आया है, मैं उनका स्वागत है साहब। सर आखिरी सवाल, इस वक्त बार बार सब यही कह रहे हैं कि इस बार पंजाब का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो कितनी चुनौती देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को? चुनौती मैं कभी भी किसी भी लड़ाई या इलेक्शन के अंदर अपने सामने प्रतिद्वंदी, मैं दुश्मन नहीं कहूँगा साहब, दे आर कंटेम्परेरीज, दे आर आर कंपिटिटर्स एंड दे आर राइवल्स, दे आर नॉट एनिमीज, दुश्मन और उसमें प्रतिस्पर्धा में फ़र्क होना चाहिए, तो कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जो कहते हैं गिदड़ के शिकार के लिए निकलो तो शेर का सामान चाहिए, तो हम शेर का लेके चले हैं, वो क्या है वो तो समय बताएगा, हमने तो अपनी तरफ से सामान, हमारी तैयारी पूरी है।
ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये सुनील झाकड़ थे जिन्होंने खुल के बातचीत की, साथ ही इन्होंने सिद्धू पर भी निशाना साधा। और चन्नी अपना जो वोट है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, इन्होंने अपना नवजोत सिंह सिद्धू की जगह चन्नी को कहा। और दूसरी तरफ मन में मलाल जरूर है कि उस समय जब सीएम के चर्चा चल रहा था, 42 विधायक थे, उस समय इनको चंद लोगों को कहने से उस रेस से बाहर कर दिया गया। अबोर से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।